हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 8, आखिरी यूनिट पढ़ा रहे हैं और आखिरी यूनिट की आज आखिरी वीडियो है, डे नंबर 3। यूनिट नंबर 8 है भारतीय समाज में परिवर्तन, जातिवाद, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद और क्षेत्रवाद के बारे में बात करनी है। तो इसमें हमने जातिवाद और सांप्रदायिकता के बारे में बात कर लिया है, तो नक्सलवाद को थोड़ा सा समझते हैं और क्षेत्रवाद के बारे में बात करते हैं। नक्सलवाद बेसिकली, अगर आपके दिमाग में नक्सल सुनते ही आता होगा कि कुछ लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जो है राष्ट्र के साथ या फिर देश की जो कानून व्यवस्था है उसके साथ संघर्ष में आ जाते हैं। बहुत सारे जो है नक्सलवादी घटनाएं आपको यूपी, बिहार, जो है पश्चिम बंगाल, इन सारे प्रांतों से आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जहाँ पर लोग अपने हक के लिए जो है संगठित होकर के बंदूक उठाने पर मजबूर हो गए। धीरे धीरे ये इस लेवल पर बढ़ने लगा जो कि राष्ट्र के लिए खतरा होने लग गया, तो कानून इसके खिलाफ बहुत कड़े कड़े बनाया गया और आज नक्सलवाद बहुत हद तक कम कर दिया गया है। अब अगर दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें कि क्षेत्रवाद आखिर होता क्या है, तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें तो क्षेत्रवाद का तात्पर्य एक ऐसे विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की उस भावना से, मतलब क्षेत्रवाद भी क्या है, एक फीलिंग है, एक भावना है जिसके अंतर्गत वो अपनी विशेष भावना, भाषा, सामान्य संस्कृति, इतिहास और व्यवहार के प्रतिमानों के आधार पर उस क्षेत्र से विशेष अपनापन महसूस करते हैं तथा क्षेत्रीय आधार पर स्वयं को एक समूह के रूप में देखते हैं, तो ये क्षेत्रवाद कहलाता है। मतलब कि किसी क्षेत्र के लोग, क्षेत्र की एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग की एक भावना होती है कि हम भाषा के रूप में एक जैसे जुड़े हुए, समान संस्कृति है, इतिहास है, व्यवहार के प्रतिमान है, तो एक अपनापन लगता है। जैसे कि अगर आप देखोगे क्षेत्रवाद को एक बड़े ब्रॉड एस्पेक्ट में, तो आप इंडिया के हो तो इंडिया आपका क्षेत्र है, तो इंडिया से आपको प्यार है। आप फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जाते हो, वहां पर आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाता है, आपका अचानक से प्यार आ जाएगा उस इंसान से, एक अपनेपन की भावना आ जाएगी कि यार ये तो अपना बनता है। ये अगर ब्रॉड लेवल पे है तो बहुत बढ़िया है, बट अगर ये छोटे 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 रूपों में आ गया और एक ही देश के अंदर बहुत छोटे छोटे क्षेत्रवाद में बट गए ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर बड़े रूप में क्षेत्रवाद भी है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, समझ रहे हो। तो एक जो एक विशेष जगह पर, एक क्षेत्र पर रहने वाले लोगों में जो अपनेपन की भावना पाई जाती है, वो चाहे भाषा के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो, इतिहास के आधार पर हो या व्यवहारिक प्रतिमानों के आधार पर, तो क्षेत्रवाद कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि क्षेत्रवाद का विकास के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि क्षेत्रवाद आ गया सामने, तो सबसे पहली चीज आती है सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन। इतिहास में ऐसी चीजें बहुत सारे जगहों पर देखने को मिली है, जब लोगों को पिछड़ा किया गया, समाज में उनके खिलाफ अन्याय किया गया और उन अन्याय के बेस पर लोग पिछड़े होते चले गए, तो उन्होंने अपने लिए एक समूह बनाया और वो समूह लेकर के एक क्षेत्र में वो लोग रहने लगे और उससे क्षेत्रवाद की भावना डेवलप हुई उनके अंदर। दूसरा कारक है राजनीतिक कारक। राजनीति में भी लोग अपने राजनीतिक फायदों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने आप को राजनीति में टिकाए रखने के लिए क्षेत्रवाद करते हैं, एक क्षेत्र के लोगों की बड़ाई करते हैं, उनकी भाषा की बड़ाई करते हैं, क्षेत्र में लोगों के हक के लिए बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे। उनको यह फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे क्षेत्र वाला बाढ़ में जाए, फर्क नहीं पड़ता, वो उसको मिले कुछ या ना मिले कोई मतलब नहीं है, हमें मिलना चाहिए, ये जो भावना है यह राजनीतिक कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक कारक भी है कि जो है एक संस्कृति के साथ कनेक्शन होता है हर एक इंसान का, तो एक क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी भावना के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर, अपनी कल्चर से जुड़े हुए होते हैं, तो उनसे एक विशेष लगाव होता है, तो वो क्षेत्रीय कारक हो गया। भाषावाद भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारक रहा है क्षेत्रवाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्र को कहीं पर भाषा के आधार पर, कहीं संस्कृति के आधार पर, कहीं भूगोल के आधार पर बांटा गया है, समझ रहे हैं। तो भाषावाद भी अपने आप में बहुत बड़ा है कि एक भाषा से एक अलग ही प्यार होता है कि यार हमारी भाषा का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि अगर आप यूरोप में जाते हो, कोई हिंदी बोलता है, आपको बड़ा प्यार आएगा उस इंसान से कि यार ये बंदा अपना है, तो भाषा के आधार पर भी क्षेत्रवाद माना जाता है। अब अगर हम बात करें कि क्षेत्रवाद, ठीक है यार, हमने कहा कि बड़े लेवल पे आप इंडिया के हो, आप इंडिया से प्यार करते हो, आप क्षेत्रवाद हो कि पूरी इंडिया की विकास होनी चाहिए, फिर ये ब्रॉड लेवल पे क्षेत्रवाद हो गया, इट्स ओके। बट अगर छोटे छोटे रूप में क्षेत्रवाद आ जाए तो क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम क्या होंगे, तो सबसे पहली चीज होगा कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। अब भारत है, अब भारत में अगर 1000 क्षेत्र हो जाए और 1000 लोग क्षेत्रवाद के बारे में बात करें और अपने क्षेत्र के लिए ही काम करें, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए फोर्स करें, अपने क्षेत्र की सीमा बढ़ाने में फोर्स करें, अपने क्षेत्र को डेवलप करने में फोर्स करें कि दूसरा क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरा क्षेत्र चाहिए, मेरे क्षेत्र में डेवलप होना चाहिए, तो ऐसी जब भावना आ जाएगी तो क्षेत्रों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा, तनाव की भावनाएं आएंगी और यह तनाव
उग्र हो जाता है तो क्रांति का रूप ले लेता है, दंगोई का रूप ले लेता है। अगली चीज है आपका राज्य और केंद्र सभा के बीच या केंद्र सरकार के बीच संबंध का स्थापित ना हो पाना, केंद्र सरकार के बीच संबंध का विकृत हो जाना। कई बार राज्य सरकारें जो होती हैं वो इतनी ज्यादा जो है अपने राज्य को लेकर के, अपने क्षेत्र को लेकर के इतने ज्यादा संकीर्ण हो जाती हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे कंट्री जो राज्य है उनमें बजट हो रहा है या नहीं हो रहा है, दूसरे राज्यों को कितना बजट दिया जा रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे मेरे राज्य में इतने रुपये की जरूरत है, इतने बजट की जरूरत है, इतनी फैसिलिटीज की जरूरत है, मुझे चाहिए। तो कई बार संघर्ष राज्य और केंद्र के बीच में स्टार्ट हो जाता है और यह संघर्ष किस लिए हो रहा है, क्षेत्रवाद की वजह से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की विषय हो जाती है जब राज्य और केंद्र में टकराव हो जाए किसी चीज को लेके। अगला है स्वार्थी नेतृत्व संगठन का विकास। कई बार जो है इन्हीं क्षेत्रवादी भावनाओं का यूज करते हुए बहुत सारे लोग अपने स्वार्थी नेतृत्व का पालन करते हैं, अपने राज्य सरकार में, अपने केंद्र सरकार में अपनी धाक जमाते हैं कि यार हम इस क्षेत्र से आ रहे हैं, इस क्षेत्र के लोग हमारे हैं, उनको भाषा के लेवल पे इमोशन करना, क्षेत्र के बेस पे इमोशन करना, संस्कृति के बेस पे इमोशन करना, जाति के बेस पे इमोशन करना। तो इस तरीके से स्वार्थी नेतृत्व करते हैं कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का विकास होता है जब क्षेत्रवाद बढ़ता है। अगला चीज है भाषा की समस्या का अधिक जटिल हो जाना। मतलब भाषा की समस्या भी, जैसे आप देखोगे कि हर एक क्षेत्र के जैसे अपने कल्चर बदलते हैं, हर एक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बदलती है, वैसे ही वहां की भाषा भी बदलती है। हर एक क्षेत्र की अपनी एक विशेष प्रादेशिक भाषा होती है और उस भाषा को महत्व दिलाने के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे थे कि हमारी जो भाषा है ना, हमारे क्षेत्र की जो भाषा है, ये सबसे बेस्ट भाषा होनी चाहिए, सबसे ज्यादा बोली जानी चाहिए, हर जगह इसको लागू कर दो। मतलब एक अलग ही प्यार होता है, लेकिन उस प्यार के बेस पर कई बार हम ऐसे बेवकूफी वाली बातें कर जाते हैं जो शायद एग्जिस्ट ना करें। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषा को लेकर के कह रहे हैं नहीं इसको प्रमोट करो, हिंदी को पीछे छोड़ दो, इंग्लिश को पीछे छोड़ दो, उर्दू हटा दो, इनका कोई मतलब नहीं, हमारी भाषा को ले आओ सामने। तो एक मतलब कई बार बहुत सारी नॉनसेंस सी चीजें आ जाती हैं क्षेत्रवाद के आधार पर और बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट भी करने लगते हैं बिकॉज ऑफ द क्षेत्रवाद, समझ रहे हैं। तो ये था दोस्त हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने नक्सलवाद और क्षेत्रवाद के बारे में बात किया। तो वीडियो आई होप पसंद आया होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।